हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम बात कर रहे थे, एल्कोहल की बात चल रही थी और एल्कोहल की बात में हमने पहला लेक्चर एल्कोहल का हो गया था और उसमें हम दूसरे लेक्चर की बात कर रहे हैं। पहला जो एल्कोहल का लेक्चर था उसमें आपने एल्कोहल का इंट्रोडक्शन पढ़ा। एल्कोहल क्या होता है, OH ग्रुप को बोलते हैं एल्कोहल के। फिर क्लासिफिकेशन देखा आपने, मोनोऑल क्या होता है, डाईऑल क्या होता है, ट्राईऑल क्या होता है, ये देखा। फिर आपने देखा 1 डिग्री एल्कोहल क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल क्या है, ये देख लिया आपने। इसके बाद उसके कॉमन नेम और IUPAC नेम पढ़ लिए। इसके बाद हम पढ़ रहे थे एल्कोहल बनाने की सामान्य विधि। सामान्य विधि में आपने 2 विधियों से पढ़ लिया था। नंबर 1 काय से, 1 पढ़ा था आपने, 1 तो आपने पढ़ लिया काय से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। फॉर्मेल्डिहाइड अगर लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ तो क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल। एसीटाइल लेते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल। एसीटोन लेते हैं तो क्या बनता है, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, इसके बाद अगला क्या होता है, अगला हम बात करते हैं उसमें काय की बात करते हैं। अगला हमने देखा था एल्कीन से, एल्कीन में तनु अम्ल से क्रिया करने पर क्या होता है। अगर हमने तनु अम्ल या तनु H2SO4 लिया है तो यदि 2 कार्बन वाली एल्कीन है मतलब इथिलीन है तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 से ज़्यादा कार्बन वाली है तो 2 डिग्री एल्कोहल, और ब्रांच वाली एल्कीन है तो 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। और हाइड्रोबोरेशन और मर्क्यूरेशन क्या होता है ये भी हमने देख लिया था। अब अगली हम जो बात कर रहे थे, अगली जो मेथड है बनाने की वो लिखेंगे हम कैपिटल सी। कैपिटल सी में हम देख लेते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से बनाने की विधि जो है वो होती है, इसमें हम क्या लेते हैं RX, ये एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की क्रिया आप किसी से भी करा दो, किसी भी तनु क्षार से करा दो। जैसे आपने एक्वस क्या ले लिया, जलीय, एक्वस मतलब जलीय, NaOH ले लिया, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। या आप चाहो तो ले सकते हो KOH, ये भी कैसा, जलीय। आप ले सकते हो Ag2, AgOH, ये भी जलीय। या आप चाहो तो Ag2O भी ले सकते हो, सिल्वर ऑक्साइड ले सकते हो, ये भी एक्वस जलीय या मॉइस्चर वाला होना चाहिए। तो किसी भी बेस, लेकिन बेस कैसा होना चाहिए, जल में घुला हुआ बेस होना चाहिए, एल्कोहल में नहीं। तो क्या बन जाता है इससे, इससे बनता है R और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। मतलब हैलाइड ग्रुप जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहो तो इसकी जगह, R की जगह आप ले सकते हो CH3, CH2 और CL। इसकी क्रिया हम करा रहे हैं AgOH से जलीय, NaOH से जलीय, NaOH से क्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2OH, तो क्या बन गया, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। और ये क्या था, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड था, आ रही बात सुनो, इथाइल क्लोराइड से क्या बन जाता है, इथाइल एल्कोहल बनता है। तो ये कैपिटल सी विधि हो गई जिसमें हम एल्काइल हैलाइड से क्या बना रहे थे, एल्कोहल बनाते हैं। तो इसे नोट करें, तो आप इसमें लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जब एल्काइल हैलाइड की क्रिया किसी जलीय क्षार के साथ कराई जाती है तो एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्काइल हैलाइड की क्रिया किसी जलीय क्षार के साथ कराई जाती है तो काय का निर्माण होता है, एल्कोहल का। ये एग्जाम्पल देखे जाते हैं, इसे नोट करें। फिर अगली बात कर रहे हैं हम, चलिए ये हो गया काय से, एल्काइल हैलाइड से। अगली हम बात कर रहे हैं एमीन से, 1 डिग्री एमीन से। अगला है फ्रॉम 1 डिग्री एमीन, कैपिटल डी, 1 डिग्री एमीन से। 1 डिग्री एमीन में क्या है, RNH2, इसकी क्रिया हम काय से कराते हैं, HNO2 से कराते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको, नाइट्रस, नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस। इसमें क्या बन जाता है, एल्कोहल बनता है।
आर ओ एच, लेकिन नोट करके हम लिखेंगे यदि आर की जगह आपने सी एच थ्री ले लिया, सी एच थ्री एन एच टू लिया है, तो इसमें एल्कोहल नहीं बन पाता भाई, एच एन ओ टू। ये अगर लिया आपने तो इसके दो मॉलिक्यूल भाग लेते हैं और इसमें क्या बन जाता है, ईथर का निर्माण हो जाता है। तो क्या है प्राथमिक एमीन, क्या हो सकता है, मतलब आर की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, आर की जगह सी टू एच फाइव, आर की जगह और क्या लेना ले सकते हो आप, सी थ्री एच सेवन ले सकते हो, इस तरह से कोई भी ले सकते हो एक्सेप्ट सी एच थ्री मिथाइल एमीन को छोड़कर। तो क्या होता है जब वन डिग्री एमीन की क्रिया काय से कराते हैं, नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, तो क्या बनता है इसमें, नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। वन डिग्री एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है, किसको छोड़कर, मिथाइल एमीन को छोड़कर, मिथाइल एमीन को छोड़कर। इसे नोट करें, चलिए अब अगली अंधो बात कर रहे हैं कैपिटल डी, एक कैनिजारो मेथड देख लेते हैं, कभी कभी आ सकती है और फेमस भी है ये, वैसे तो ये एल्डिहाइड और कीटोन की रहती है, फिर भी इसमें बनाते हैं एक बार तो वो देख लेते हैं। डी के बाद कैपिटल ई, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है, ये अभिक्रिया केवल वो एल्डिहाइड और देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर ये, और कौन नहीं देता है, ये देगा और ये एल्डिहाइड है ये नहीं देगा सी एच ओ। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन होता है और इसमें अल्फा कार्बन है मतलब अल्फा हाइड्रोजन इसमें उपस्थित है, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया को नहीं देता है। और कौन देता है, इसमें देखो एल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए इसको अल्फा कार्बन नहीं बोल रहा है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोल रहा, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बेंजल्डिहाइड है, सी एच ओ ग्रुप यहाँ लगा है, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन तो होता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता है। और भी देखें आप तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें क्या होता है सी एच ओ, जैसे ये तो इसमें अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है इसकी कैनिजारो नहीं देगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये आ जाता है क्वेश्चन कि कौन कैनिजारो देता है और कौन कैनिजारो नहीं देता है, तो इसमें आप लिखें ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है वे कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, वे कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है वे कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। अब कैनिजारो में क्या होता है देखो जरा, इसमें दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड के और क्रिया कराते हैं सांद्र कोई भी क्षार NaOH ले सकते हो, या लिखा आ सकता है 50% क्षार NaOH KOH कोई सा भी क्षार हो सकता है। और इसमें क्या होता है एक जो रहेगा वो तो बनाएगा एल्कोहल एक मॉलिक्यूल और एक बनाएगा अम्ल या अम्ल का दबाव, तो इसमें क्या होता है एक का तो होता है अपचयन, इसका क्या हो गया अपचयन हो गया, एक एल्डिहाइड का तो अपचयन होता है और दूसरे में ऑक्सीजन बढ़ गई देख लो जरा, तो ये इसका हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम रिडॉक्स भी होता है, इसे रिडॉक्स भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उसे रिडॉक्स भी कहते हैं। तो क्या होता है कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होता है सांद्र क्षार या 50% क्षार के साथ क्या कराते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन होता है, एक का अपचयन होता है वो एल्कोहल बनता है, इससे मिथाइल एल्कोहल बन गया आप देख रहे हैं, और एक क्या बन गया फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा या फॉर्मिक एसिड का क्या बनता है सॉल्ट बनता है, इसे हम क्या कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। इससे एल्कोहल में क्यों पड़ा हमने, क्योंकि इसमें मिथाइल एल्कोहल बनता है, ठीक आप इसे नोट करें। फिर अगली रिएक्शन अगली उसकी बात कर रहे हैं,
चलिए कैपिटल ई के बाद अगली हम जो बात करेंगे वो बात कर लेते हैं एफ, फेमस रिएक्शन है किण्वन, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन या किण्वन, ये इससे जो एल्कोहल बनाया जाता है मेनली इथाइल एल्कोहल बनाया जाता है, जो इंडस्ट्री के तौर पर इंडस्ट्रियल तौर पर एल्कोहल बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो क्या करते हैं पीने के लिए जो एल्कोहल बनाया जाता है कुल मिला के, वो एल्कोहल बनाया जाता है खाए से, फर्मेंटेशन से। तो किण्वन की पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं। तो सबसे पहले किण्वन में से हम जो एल्कोहल इथाइल एल्कोहल बनाते हैं वो एल्कोहल क्या होता है, या तो बनाया जाता है स्टार्च से मतलब अनाज वगैरह से, या बनाया जाता है सुक्रोज से। सुक्रोज का मतलब क्या रहता है, सीरा वगैरह जिसको, या गन्ने का जो रस रहता है उससे बनाया जाता है। ठीक, तो उससे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप उसमें एक टैंकर ले लेंगे एक बड़ा सा, फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो प्रोसेस रहती है इसमें क्या होता है, एक तो हम इसमें 10% बिलियन रखते हैं गाय का, जिसका हम बनाना चाह रहे हैं सुक्रोज का, सुक्रोज का बना रहे हैं तो सुक्रोज, या फिर क्या स्टार्च, स्टार्च का बना रहे हैं तो स्टार्च। दूसरा इसमें क्या करते हैं हम, इसमें समय क्या रहता है, 3 से 4 दिन इतना समय। वायु क्या रहती है अनुपस्थित, अनुपस्थित। इसमें एक खमीर बैक्टीरिया मिलाया जाता है, खमीर मिलाया जाता है, या इसको ईस्ट कहते हैं। ये क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन करता है। इसके खाने के लिए हम क्या मिला देते हैं, अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम सल्फेट वगैरह मिलाते हैं, अमोनियम सल्फेट अमोनियम फॉस्फेट, ये का है इसका भोजन है, काय का भोजन, ये जो ईस्ट रहता है इसका भोजन होता है। और तापमान, कमरे का तापमान मान लो आप इसमें रखते हैं 25 डिग्री से लेकर 40 के बीच, ये इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ना कम ना ज़्यादा। और क्या करते हैं, इसको पैक करके रखते हैं एकदम ढक्का, इसका जो कंटेनर का जो टैंक का जो फ्लोर रहेगा उसको एकदम पैक करके रखेंगे। और इसमें सॉल्यूशन क्या लेते हैं, सॉल्यूशन 10% लेते हैं, ज़्यादा सादा नहीं ले सकते नहीं तो ये मर जाएगा। समय 2 से 3, एयर क्या होती है एब्सेंस, खमीरा या ईस्ट बैक्टीरिया इसमें या फंगस मिलाया जाता है, इसको भोजन के लिए अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट मिलाया जाता है और टेम्परेचर इतना रखा जाता है। और 3-4 दिन के बाद ये अपने आप पाए में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, इसका ऑक्सीकरण करता है, इसका इन दोनों का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, और सॉरी ऑक्सीकरण करके इसका क्या कर देगा, इसको काय में कन्वर्ट कर देगा, तोड़ के इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। इन सबको कैसे करेगा, अपने एंजाइम के थ्रू, इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो इनको तोड़ते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम क्या तोड़ेंगे वो हम इन दोनों की बात करेंगे। तो पहले आप ये परिस्थिति लिख दो काय के लिए, किण्वन के लिए परिस्थिति में नंबर 1 आप ये लिख दोगे, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6, इस तरह से परिस्थिति लिख दो कि ऐसी परिस्थितियों में क्या कराया जाता है, किण्वन या फर्मेंटेशन कराते हैं। और इसके बाद हम सुक्रोज देखेंगे, फिर स्टार्च का किण्वन देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुक्रोज का फर्मेंटेशन, सुक्रोज की बात कर लेते हैं हम, स्मॉल ए सुक्रोज होता है C12H22O11। सुक्रोज या गन्ने की सकरा, इसका जल अपघटन कराते हैं, इसमें जो एंजाइम जल अपघटन करता है वो होता है इन्वर्टेज, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज इसका क्या करता है,
इसको इन्वर्टेज बदल देता है दो मॉलिक्यूल में, C6H12O6 C6H12O6, एक बनाता है ग्लूकोज, एक बना देता है फ्रक्टोज। एक तो बना देता है ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज कहाँ से निकलता है? यह इन्वर्टेज निकलता है कैसे, जो खमीर था उससे निकलता है। फिर अगली स्टेप में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसका फिर जन्म अपघटन होता है, कौन सा एंजाइम करता है इसको? जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जो रहता है वो इसको बदल देगा C2H5OH प्लस, इसमें CO2 गैस वगैरह निकलती है, ठीक। ये क्या बन जाएगा, जो पीने वाला एल्कोहल होता है इथाइल एल्कोहल बन जाएगा, इथाइल एल्कोहल, ठीक। ये सुक्रोज से बनाने के लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा कि जब भी सुक्रोज से एल्कोहल बनाया जाता है तो इन्वर्टेज और कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। आप इसे नोट करें, फिर हम कैपिटल स्मॉल बी की बात करेंगे जिसमें हम देख लेंगे स्टार्च। चलिए फर्मेंटेशन का अगला पार्ट जो है वो है स्टार्च। देखिए स्टार्च होता है C6H10O5 का होल एन, स्टार्च को पहले जल अपघटन कराते हैं, कौन सा एंजाइम? डायस्ट्रेज। डायस्ट्रेज एंजाइम जो रहता है इसको जल अपघटित करता है, तोड़ता है काय में? माल्टोज में। एन मॉलिक्यूल काय के बनेंगे? माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? C12H22O11। ये क्या बन गया? माल्टोज बन गया। तो स्टार्च पहले काय बदल जाता है? माल्टोज में बदलता है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो माल्टोज है C12H22O11, इसका फिर से जल अपघटन होता है और कौन सा एंजाइम? डायस्ट्रेज के बाद माल्टेज एंजाइम। माल्टोज को कौन तोड़ता है? माल्टेज। और ये बनाता है दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के, C6H12O6। ये क्या बन गया? ग्लूकोज। बायोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं आप, ये क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगला आता है, ये जो ग्लूकोज बना C6H12O6, इसका फिर से क्या होता है? जल अपघटन होता है और कौन सा एंजाइम करता है? वही जाइमेज। ये सब एंजाइम कहाँ से आ रहे हैं? तो ईस्ट जो था उससे आ रहा है। ये बनाएगा C2H5 एल्कोहल बना देगा प्लस CO2, ये क्या बन गया? एथाइल एल्कोहल। ये इंडस्ट्री में इसका यूज होता है काहे के लिए? इंडस्ट्रियल यूज होता है बनाने के लिए स्टार्च से। तो आपको क्या करना है, वैसे तो आप बायोकेमिस्ट्री में ये पढ़ चुके हो, स्टार्च से हम क्या करते हैं? डायस्ट्रेज, माल्टेज और जाइमेज। डायस्ट्रेज, माल्टेज, जाइमेज, ये तीनों एंजाइम देते हैं, इनसे स्टार्च से क्या बन जाता है? इथाइल एल्कोहल। और सुक्रोज से बनाने के लिए इन्वर्टेज और जाइमेज, ठीक। आप इसे नोट करें, तो ये एल्कोहल बनाने की मेथड हो गई। फिर हम इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये एल्कोहल की बनाने की सामान्य विधि जो थी, इम्पोर्टेंट मेथड जो थी, वो हमने ख़त्म कर ली। इसमें आपने क्या क्या देख लिया? एक तो आपने देख लिया है एक देख लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एक देख लिया एल्कीन से, एक अभी आपने एल्काइल हैलाइड से देख लिया, एक आपने कैनिजारो देख ली, एक आपने देख लिया कैसे 1° एमीन से, और एक देख लिया हमने अभी फर्मेंटेशन से।
अब हम बात कर लेते हैं एल्कोहल के भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं। वैसे तो एल्कोहल सबने देखा ही है, अधिकतर लोग पीने में इसका यूज़ करते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ और लोग ठीक। तो क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। भौतिक गुण जो रहता है ये क्या होता है, सबसे पहले ये क्या होता है, रंगहीन और क्या होता है, विशिष्ट गंध वाला। नंबर एक आप लिखेंगे रंगहीन कैसा होता है, ये विशिष्ट गंध वाला द्रव होता है, रंगहीन विशिष्ट गंध वाला द्रव, द्रव अवस्था में पाया जाता है, सबने ही देखा है। विशिष्ट गंध क्यों बोलना है, हमें से विशिष्ट गंध इसलिए बोलना है क्योंकि ये क्या होता है, एक बार अगर आपकी इसने इसकी स्मेल आपने सूंघ ली है तो अगली बार आप कहीं पे भी इसकी स्मेल आएगी तो आप पहचान जाओगे कि एल्कोहल है, ये मतलब है इसका विशिष्ट गंध का। तो ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, विशिष्ट गंध वाला द्रव होता है। नंबर दूसरी बात, ये जल में H2O में क्या है, घुलनशील है, जल में क्या लिखोगे, जल में घुलनशील, किसके कारण, हाइड्रोजन बंध बना लेता है, हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण। तो ये जल से हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध बना लेता है इसलिए। तीसरी बात लिखोगे आप इसमें, इसका क्वथनांक जो रहता है अपने संगत ईथर से CH3O CH3, इसका क्वथनांक, एल्कोहल का क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसका कारण भी क्या है, इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका क्वथनांक अपने बराबरी वाले ईथर की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगली बात आप क्या लिख सकते हैं इसमें, यह कैसा होता है, ज्वलनशील होता है, यह कैसा होता है, ज्वलनशील होता है, मतलब अगर आप इसको जलाओगे तो ये नीली लौकी जैसी गैस जलती है वैसी लौकी के साथ ये जलेगा, तो ये कैसा होता है, ज्वलनशील होता है ठीक। अगली बात आपने ये लिख ली, अगली बात आप क्या लिखोगे, पांचवी, मिथाइल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल की तुलना में, इथाइल एल्कोहल की तुलना में कम जहरीला, नहीं इथाइल एल्कोहल की तुलना में अधिक जहरीला होता है, ये अधिक जहरीला होता है, और ये क्या होता है, ये कम जहरीला होता है। मिथाइल एल्कोहल जो रहता है ये अधिक जहरीला होता है, ये कम जहरीला होता है। इसका सेवन करने से क्या हो जाता है, इसका सेवन करने से पहली बार में ही अगर इसका कोई सेवन करता है तो उसको अंधापन या मृत्यु हो जाती है इसका सेवन करने से ठीक। तो ये अंधापन या मृत्यु प्रदान करता है पहली बार में ही, इसलिए ये अधिक जहरीला होता है। इसे जहरीली शराब के नाम से भी आप जानते हो, आप सुनते हो, पेपरों में पढ़ते हो कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए। तो ये क्यों मर गए, क्योंकि ये दोनों चखने में दिखने में सब एक जैसे होते हैं, तो इसके चक्कर में लोग इसके चक्कर में इसको पी लेते हैं, या ये कभी बन जाता है तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया तो इसके कारण अंधापन या मृत्यु हो जाती है। और ये क्या होता है, कम जहरीला होता है, ये कम जहरीला होता है, इसका सेवन करने से लोगों को क्या होता है, एडिक्शन होता है, मतलब एक बार अगर आपने इसको पी लिया तो दूसरे दिन अपने आप आपका मन करेगा कि नहीं ये होनी चाहिए, इसके बिना ज़िंदगी बेकार है, तो आप रोज़ाना फिर इसका सेवन करोगे। ये क्या करता है, हमारे स्टमक को ख़राब करता है, लीवर को ख़राब करता है, फिर किडनी पर असर डालता है ठीक, और हमारी मेमोरी को भी क्या करता है, लॉस करता है। और इसका सेवन अधिकतर जो एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट के जो केस आते हैं, तो मैक्सिमम एक्सीडेंट के केस किसके कारण होते हैं, इथाइल एल्कोहल के सेवन के कारण होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं, हमारे शरीर की जो मसल रहती हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्शन करने वाला लिम्बिक सिस्टम होता है ब्रेन का, ये उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण गाड़ी की स्टीयरिंग पर कंट्रोल नहीं रहता है, ड्राइवर का ब्रेक पर कंट्रोल नहीं रहता है, जिसके कारण इससे एक्सीडेंट होते हैं। मतलब अगर आप इसको पीकर अगर कोई गाड़ी चला रहा है, मतलब एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा है ठीक। तो इसका सेवन करके कभी भी कोई भी वाहन नहीं चलाना चाहिए ठीक, अगर कोई चला रहा है तो ऐसी वाहन में बैठना नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये। तो ये क्या होता है, कम जहरीला होता है, ये अधिक जहरीला होता है। अगला एल्कोहल में आप क्या लिख सकते हैं, यह कैसा होता है, लगभग उदासीन प्रकृति का होता है, इसका pH एप्रोक्सली लगभग एप्रोक्सली क्या होता है, 7, इसका pH लगभग कितना होता है, 7 होता है। तो ये एल्कोहल के कुछ भौतिक गुण थे। तो ये भौतिक गुण में आपने, रंगहीन द्रव होता है, विशिष्ट गंध वाला होता है, जल में इसको आप घोल ही लेते हो, कारण हाइड्रोजन बंध, इसका क्वथनांक जो रहता है वो एल्कोहल जो रहता है
एल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होता है अपने संगत काय से ईथर की तुलना में। ठीक, दूसरा इसमें हमने और क्या पढ़ा, ये ज्वलनशील होता है, जल सकता है, ये ज़्यादा जहरीला है, ये कम जहरीला है और इसका पीएच लगभग 7 होता है। और भी लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं हम, एल्कोहल को सुखाने के लिए, उसमें अगर पानी मिल गया तो उसको सुखाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग नहीं किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये दोनों उससे मिलके क्या बना देते हैं, ठोस यौगिकों का निर्माण कर देते हैं, ठोस पीले यौगिक बना देते हैं, इसलिए इनका निर्माण, इनका उपयोग एल्कोहल को सुखाने में या उससे जल को रिमूव करने में नहीं किया जाता। ठीक, तो ये एल्कोहल के क्या हो गए, भौतिक गुण हो गए। तो आज आपने एल्कोहल में क्या क्या बातें पढ़ ली हैं, एक तो एल्कोहल बनाने की विधि पूरी हो चुकी हैं, तो 4-5 जितनी भी रिएक्शन है उनको याद करें। मैं कम कम इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप उसको याद करके अच्छे से पढ़ लें। और ये कुछ भौतिक गुणों की बात कर ली, कल हम एल्कोहल के क्या देखेंगे, रासायनिक गुणों की बात करेंगे। ठीक, रासायनिक गुणों में ऑक्सीकरण जो रहता है वो इम्पोर्टेंट है उसका, और उसके परीक्षण जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।